आपके शो गोल्डन टॉक्स विद शिप्रा में सारे लुधियानवीज का वार्म वार्म वेलकम। जी हाँ, आज हम पहुंचे हैं लुधियाना के बर्बन ब्रॉडवे रेस्टोरेंट में और हमारे साथ एक डीवा बैठी हैं, एक यंगेस्ट डीवा बैठी हैं, मिस लवीना बग्गा जी। जी हाँ, इन्होंने शी इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट फीमेल फिल्म डायरेक्टर इन पंजाब। इन्होंने LPU से अपनी स्टडी कंप्लीट की है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आपको मिलवाते हैं उनसे और उनसे ही जानते हैं कि उनको इस लाइन में इंटरेस्ट कब और कैसे डेवलप हुआ। हेलो मैम, वेलकम टू टाइम्स पंजाब TV। हाउ आर यू? फाइन, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। वैसे तो एक फॉर्मल से इंट्रोडक्शन हमने अपने चैनल को आपका दिया है, आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? वेल, मैं एक राइटर और फिल्म मेकर हूँ। बहुत ही यंग एज से मैंने राइटिंग शुरू कर दी थी और रिसेंटली आई हैव स्टेप्ड इनटू प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग और मैं एड फिल्म्स कर रही हूँ और कुछ शॉर्ट फिल्म्स कर रही हूँ फिलहाल। गुड मैम, तो आप सबसे पहले ये बता दीजिए, ये जैसे हमने सुना है कि आपको चाइल्डहुड टाइम से बुक्स रीडिंग में बहुत इंटरेस्ट रहा है, तो कौन कौन सी बुक्स आप जब आप छोटे होते थे कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ और कौन कौन सी बुक्स आप स्टार्टिंग में पढ़ते थे? स्टार्टिंग तो मैंने चाचा चौधरी पढ़ के की थी, पिंकी, चाचा चौधरी। देखिए कितनी सारी मेमोरीज यहाँ पे फिर से चेरिश होने वाली है, ब्यूटीफुल सी मेमोरीज। चाचा चौधरी जी का नाम सुन के आपको कितना अच्छा लगा होगा हम समझ सकते हैं। तो चलिए मैम, और कॉमिक्स नॉवेल्स कैसे स्टार्टिंग हुई आपकी? बचपन में पापा मेरे यूज टू ब्रिंग मी बुक्स व्हेन आई वाज वेरी यंग। इवन आई डिडंट स्टार्टेड गोइंग टू प्ले वे स्कूल, बट मुझे बहुत यंग एज में बुक्स मिलने लग गई थी। मैं पिक्चर्स इलस्ट्रेशंस को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती थी और अपने आप से, क्योंकि तब मैं पढ़ नहीं सकती थी, अपने आप से मैं स्टोरीज वीव करने शुरू हो गई। तो स्लोली जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया और मुझे स्टोरीज पढ़नी आने लग गई तो बुक्स की जो काउंटिंग थी वो बढ़ती गई एंड आई स्टार्टेड रीडिंग more and more with every passing day. Very good ma'am, and we heard you got influenced by Twinkle Khanna also. Yeah. तो उनकी आपने बुक्स रीड की हैं या कैसे, मतलब उनके उस बारे में कुछ शेयर कीजिए। When I was in my 10th standard, तब से मैंने उनके ट्वीट्स पढ़ने शुरू कर दिए थे on Twitter and I used to follow her on her social medias like Instagram and all. तो मुझे उनका राइटिंग स्टाइल बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है, जो कि विद अ टच ऑफ ह्यूमर है, उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमर होता है। तो स्लोली when शी पब्लिश्ड हर फर्स्ट बुक कॉल मिसेस फनी बोन्स, आई बॉट दैट बुक, आई रेड इट और उसके साथ साथ मुझे भी अंदर से एक क्रेविंग होने लग गई लिखने की कि मुझे भी ऐसा राइटिंग स्टाइल अपनाना है जो कि इतना ह्यूमरस है, स्टिल इट्स वेरी यू नो एंगेजिंग। तो मैम आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की है? यू आर फ्रॉम लुधियाना? या मैंने अपनी स्कूलिंग GMT पब्लिक स्कूल जलंधर बाईपास से की है और उसके बाद मैंने लवली से फिल्म स्टडीज़ की डिग्री कंप्लीट की है। ओके, यू पास आउट फ्रॉम LPU नाउ? या आई पास आउट दिस ईयर ओनली। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम? तो सबको ही पता है आप इतना ज़्यादा टैलेंट लेके यहाँ पे हैं, पंजाब में हमारे साथ बैठे हुए हैं, तो आपका जो फ्रेंड सर्कल होगा उनको भी सबको पता होगा डेफिनेटली, तो वो कैसे अप्रिशिएट करते थे आपको उस टाइम पे, कितना मोटिवेट भी करते थे हम कैसे? सी, फ्रेंड्स तो हमेशा फ्रेंड्स ही रहते हैं। फ्रेंड्स नेवर लाइक नेवर अप्रिशिएट यू ऑन योर फेस, दे ऑलवेज अप्रिशिएट यू ऑन योर बैक। मुंह पे तो सभी फ्रेंड्स जैसे होते हैं वैसे ही हैं मेरे भी, बट या आई होप दैट दे ऑल्सो फील प्राउड टू हैव मी इन देयर लाइव्स। तो आप इस बारे में बताइए कि आपने रिसेंटली आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप पास आउट कर चुके हैं और बहुत ज़्यादा आपने नाम भी लुधियाना को तो बहुत प्राउड फील करा दी थी है, तो अभी आप क्या कर रहे हैं, मतलब किस चीज़ में एंगेज आपने अपने आप को किया हुआ है? वेल, मैंने अपनी एक कंपनी एस्टैब्लिश की है फ्रॉम द नेम ऑफ आध्या मूविंग पिक्चर्स और इस कंपनी के अंडर वी आर डूइंग ब्रांड फिल्म्स, सिनेमैटिक ब्रांड फिल्म्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट ब्रांड्स। अभी तक मैंने जो एड फिल्म्स की उसमें ऑल फॉर पेट्स का नाम है, हैम्पटन होम्स, लीव बेरी, इनके एड फिल्म्स मैं कर चुकी हूँ और उसके साथ साथ वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू डू सम म्यूज़िक वीडियोज़ इन फ्यूचर एंड वी आर प्लानिंग फॉर इट राइट नाउ। और उसके साथ साथ मैं कुछ फिल्म डायरेक्टर्स है जैसे नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म डायरेक्टर मिस्टर राजीव कुमार, उनके साथ एंगेज हूँ उनकी अपकमिंग फिल्म में इन देयर राइटिंग टीम। सो साथ साथ फीचर्स भी चल रहे हैं, बट करंटली माय फुल टाइम वर्क इज़ फॉर एडवर्टीजमेंट, आई मेक एडवर्टीजमेंट फॉर ब्रांड्स। वेरी गुड मैम, ये कितना अच्छा आपने हमें बताया कि लुधियाना के लिए, देखिए आप देख सकते हैं कितना प्राउड फील करा रहे हैं एक यंगस्टर हमें। तो मैम एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे, आप इतने, मतलब हम जैसे आपसे सुना कि आपको बुक्स रीडिंग का स्टार्टिंग से इंटरेस्ट रहा है, तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया पे कम एक्टिवेट रहते हैं? नहीं, मैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हूँ, मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ रोज़ अपडेट होते हैं, बट आई बिलीव इन मेंटेनिंग अ हेल्दी सोशल मीडिया और मैं कुछ भी मतलब ऐसा नहीं पोस्ट करती हूँ जिससे कि
कोई किसी भी पर्सन को हर्ट फील हो या फिर कुछ भी जो मेरे अकॉर्डिंग सही हो पर किसी और के अकॉर्डिंग गलत हो. आई पोस्ट ओनली यूनिवर्सल ट्रुथ्स जो कि सब मान सके, जो कि सब एग्री कर सके. एंड आई डोंट लाइक कमेंट पर्सनली ऑन समवन. सो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है इफ यू वांट टू ग्रो एज अ ब्रांड रिलेटेड टू योर वर्क आल्सो. या रिलेटेड टू योर वर्क और सम एनीथिंग. आई लव शेयरिंग मीम्स. आई शेयर मीम्स ऑल द डे. बट या इट शुड बी समथिंग विच ब्रिंग स्माइल टू समवन्स फेस व्हेन समवन रीड्स इट. एंड आई डोंट बिलीव इन शेयरिंग समथिंग विच यू नो हर्ट समवन्स सेंटीमेंट्स और समथिंग लाइक दैट. तो एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन रहा जब आपको लगा कि आप इतने फेमस हो रहे हैं, इतना फेमस, मतलब आपके साथ एक टैग जुड़ चुका है फीमेल यंगेस्ट डायरेक्टर का, तो पेरेंट्स ने उस टाइम कैसे आपको अप्रिशिएट किया या उनके क्या एक्सप्रेशंस थे उस टाइम, वो आप शेयर कीजिए प्लीज़. माय पेरेंट्स आर ऑलवेज मोर एक्साइटेड देन मी ऑलवेज रिगार्डिंग एवरीथिंग आई डू. तो जब भी कोई एड फिल्म आती है तो मेरे से ज़्यादा वो शेयर करने में लगे होते हैं. इवन कि जब भी कोई भी अचीवमेंट होती है, सो अभी मेरा सोशल मीडिया अपडेट नहीं होता, उनका पहले ही हुआ होता है अपडेट. सो माय पेरेंट्स आर रियली वेरी हैप्पी अबाउट दिस बिकॉज इन द स्टार्टिंग डेज ऑफ माइन जब मैंने फिल्म मेकिंग में आना चाहा था, तब माय पेरेंट्स वर आस्किंग मी टू डू सीए. दे वांटेड मी बिकॉज मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है, सो दे वांटेड मी टू यू नो गो फॉर समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू कॉमर्स. थोड़ा मुश्किल हुई थी बनाने में, बट तब वो लोग मान गए और अब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि आई हैव चोजन समथिंग डिफरेंट. बिल्कुल मैम, बहुत ही डिफरेंट लाइन है ये हम कह सकते हैं. और आप तो इतने यंग हैं, आपको देख के हम कह सकते हैं कि कोई भी, आई थिंक जो आजकल का हमारा यूथ है वो जैसे हमने आपसे पूछा था सोशल मीडिया के बारे में, तो वो सोशल मीडिया में ही ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करके रखते हैं, बट ऑन सो मैनी मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ थिंग्स वी कैन से. सोशल मीडिया का बस यही पॉइंट है दैट एवरीथिंग, जो कहते हैं ना कि अति हर चीज़ की बुरी होती है, लेकिन हाँ सोशल मीडिया अगर सही ढंग से यूज़ किया जाए तो इट्स अ वेरी गुड थिंग टू इंक्रीज योर बिजनेस, टू एंगेज विद डिफरेंट पीपल एंड टू लर्न सोशलाइजिंग. एंड स्टिल यू आर इन्वॉल्व इन रीडिंग बुक्स, अभी भी आपको वैसा ही इंटरेस्ट है. या आई रीड बुक्स एवरी डे. मैं रोज एटलीस्ट एक चैप्टर ज़रूर पढ़ती हूँ. करंटली आई एम रीडिंग 1000 स्प्लेंडेड सन्स. तो डेली मतलब आई कैंट स्लीप इफ आई हैवंट रीड एटलीस्ट वन चैप्टर. अभी टाइम इतना नहीं मिल पाता, बट यस वो एक क्रेविंग रहता है आगे जानने का कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ. मे बी बिकॉज आई एम ए स्टोरी राइटर, दैट्स वाई. तो पर्सनली आप कैसा फील करते हैं बुक रीडिंग के टाइम, आपको कितना लगता है हमारे अंदर या हम क्या डिफरेंस आता है आफ्टर रीडिंग बुक्स, या हमारी नॉलेज हम कितना कुछ ग्रैप करते हैं जो वर्ड्स हम बुक्स में पढ़ते हैं. सोशल मीडिया के थ्रू तो हम लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं, हमने जैसे कि बार बार कहा, तो बुक्स के थ्रू आपको क्या लगता है पर्सनली, जैसे आपको इंटरेस्ट है तो कितनी नॉलेज हम लोग ग्रैप कर सकते हैं. सी दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बुक यू आर रीडिंग. अगर आप एक अच्छा कंटेंट पढ़ रहे हो तो फिर ऑब्वियसली चाहे वो फिक्शनेट ही हो वो आपको नॉलेज देगा ही देगा. बट इफ़ द कंटेंट इज़ नॉट गुड, तो चाहे वो नॉन फिक्शन हो बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स हो, देर इज़ नो फन इन रीडिंग इट. तो भले ही आप फिक्शन पढ़ रहे हो, बट चूज़ योर बुक्स वाइसली बिकॉज इम्पॉर्टेंट. या चूज़ योर बुक्स वाइसली बिकॉज वो सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं आपके लाइफ में. मैम तो लास्ट में हम चाहते हैं, आप तो प्राउड फील करा दिए, आप यहाँ की जनरेशन को, यहाँ के यूथ को अपनी तरफ से कोई ब्यूटीफुल सा अपीलिंग मैसेज ज़रूर दीजिए कि आपने तो इतना अच्छा लाइन आपने चूज़ की है, बुक्स रीडिंग में आपको इंटरेस्ट है, तो आप एक अच्छा सा कोई मैसेज यहाँ के यूथ को दीजिए प्लीज़. आई वुड जस्ट लाइक टू से कि फॉलो योर ओन पाथ, वट एवर यू बिलीव इज़ राइट वो सही ही होता है, चाहे कोई भी कितना भी बोले कि वो सही नहीं है. बट अगर आपके अंदर से एक इंस्टिंक्ट आ रही है कि ये चीज़ सही है तो वो सही ही होगा हमेशा. सो डोंट डाउट योर सेल्फ. इफ़ यू आर डाउटफुल अबाउट योर सेल्फ देन मे बी यू आर रॉन्ग, एंड इफ़ यू आर नॉट डाउटफुल अबाउट योर सेल्फ तो सब कुछ सही है. रेस्ट लिव लव लव दैट. एंड वट आर योर फ्यूचर प्लान्स? Future plans, I want to be a filmmaker in the Punjabi industry and in the Hindi industry because I feel ki Punjabi industry mein good content ki bahut 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 zyada zarurat hai at this point of time, jabki baki jo sara states hain wo itne acche cinemas bana rahe hain, Punjabi industry is still making that all shaadi vyah wale cinema. So I want to make a change into that. मैम इतने सारे क्वेश्चंस हमने आपसे पूछ लिए, मेन क्वेश्चन तो पूछा नहीं कि जो आपकी बुक रिलीज हुई थी उसके बारे में तो आपने कोई शेयर नहीं किया आपसे. या आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज आई वाज अ कॉलेज स्टूडेंट देन और काफी ज्यादा लाइमलाइट में आ गई थी मैं अपने कॉलेज में बिकॉज ऑफ राइटिंग अ बुक एंड लाइमलाइट सबको. प्लीज टेल अस द नेम ऑफ दैट बुक. द नेम ऑफ द बुक इज लव यू स्माइल. इट्स अ फिक्शन स्टोरी व्हिच इज बेस्ड ऑन द लव स्टोरी ऑफ अ गाय एंड अ गर्ल. ओके ओके. या थैंक यू सो मच मैम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्लान्स.
बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बातें करके। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ यंगेस्ट फीमेल फिल्म डायरेक्टर मिस लवीना बग्गा जी, जो अभी एड फिल्म्स शूट करते हैं। उन्होंने यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी स्टार्ट की है अपने एक नाम से, और आने वाले टाइम पे भी उनके बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लान्स हैं। और उनकी तरफ से बहुत ही अच्छा, बहुत ही अपीलिंग मैसेज जो हमें मिला, वो हमें ये मिला कि फॉलो योर पाथ। आप बहुत अच्छे अच्छे सोशल मीडिया पर एक्टिवेट रहिए, अच्छे तरीके से अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, तो उससे शायद आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, आपकी मेंटालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। तो हमने शेयर किए उनसे कुछ बहुत ही अच्छे और वंडरफुल मोमेंट्स, होपफुली आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा उनसे मिलके। थैंक यू सो मच कैमरामैन अमनदीप के साथ, शिप्रा बसरीजा, टाइम्स पंजाब टीवी।